नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में हम फुली एनालिसिस करने वाले जो SSC MTS का 23 अक्टूबर यानी कि आज जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ है उसी का कंप्लीट डिस्कस इस वीडियो में हम करने वाले दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बैड न्यूज़ है हमारे चैनल के लिए वो बता देता हूँ दोस्तों। जो यूट्यूब है उन्होंने मेल किया है कि यूट्यूब गाइडलाइन के हिसाब से आप इस चैनल को नेम को जो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस नेम से जो चैनल है ऑलरेडी आपसे पहले क्रिएट किया कर रखा है किसी ने, तो आप सेम नेम चैनल नहीं रख सकते। तो दोस्तों मैं आपको अपडेट कर दूंगा जब भी जो हमारा चैनल का नेम होगा वो चेंज करूंगा मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे आप देख रहे होगे, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगर आप मेरे को वीडियो कंटिन्यू देखते हो तो प्लेइंग इट्स माई वे इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो दोस्तों ये बायोग्राफी है जो सचिन तेंदुलकर की है और ये जो लिखी थी वो सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजूमदार ने लिखी थी। और बात करें ये पब्लिश होने की, तो ये 6 नवंबर 2014 को पब्लिश हुई थी और लॉन्च हुई थी 5 नवंबर 2014 को मुंबई में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, कहाँ स्थित होती है। दोस्तों ये जो पीयूष ग्रंथि है इसको पीयूष के या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि भी इंग्लिश में बोलते हैं, और ये कि अंतःस्रावी ग्रंथि, आपको पता होगा अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ भी होती है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार कैसा होता है, एक मटर के दाने के समान होता है, और जिसका वेट की बात करें तो 0.5 ग्राम या फिर अगर आउंस में बात करें तो 0.02 आउंस होता है। और ये स्थित होती है जो मस्तिष्क के अंदर जो हाइपोथैलेमस में दोस्तों एक सेला ट्रेसिका नाम का एक गड्ढा होता है छोटा सा, उसी में ये स्थित होती है। नेक्स्ट यहाँ पे लाफिंग गैस पूछा गया था, ये ऑलरेडी मैंने कई बार आपको बता दिया है। यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है N2O होता है और जो इसका पूरा सूत्र होता है नेम वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है जो गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे स्थित है। तो ये दोस्तों जो है स्थित ये जो आसाम है, आसाम में स्थित है, जो करीबी अनलॉक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है, और इसकी जो ये गोलाघाट है वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। ये इसका एरिया ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा है, 6.5 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कंप्यूटर में ALU का उपयोग, ALU होता क्या है दोस्तों, फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और इसका काम क्या होता है, जो अर्थमेटिकल जो होती है डिसीजंस, जो भी डिसीजन होते हैं प्लस माइनस के जोड़ने संक्रियाएं होती है, अर्थमेटिक सारे ऑपरेशन इसी के द्वारा होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग जो भी है सब कुछ इसी के द्वारा होता है। नेक्स्ट ये पूछा था जो ग्वाइडर पोर्ट है वो किसकी सहायता से बनाया गया है। दोस्तों ये बता दूँ आपको, चाइना पाकिस्तान चाइना की मतलब की सहयोग से ये बना है पाकिस्तान में, और इसका जो लोकेशन है वो है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान है वहाँ पे ये स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय मानक समय ये पूछा गया था, तो मैं बता दूँ आपको ये भारतीय मानक समय जो होता है ये इसके हिसाब से निर्धारित किया जाता है 82.5 के हिसाब से। फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश में बोलता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसका जो IST बोलते हैं शॉर्ट में, और ये जो है 1 UTC + 5 यानी कि 5:30 समय ऑफसेट के साथ इसको निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया बोध विहार किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बोध विहार जो है बिहार सांची के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है MP के पर्यटक स्थलों में। एक पूछा था नोबल प्राइज़ विनर, तो 2016 था। ये सारी लिस्ट मैंने आपको अगर याद हो तो, जैसे कि इससे पहले के कुछ वीडियो तो उनमें छापी थी, तो आज जो पूछा गया वो लिटरेचर के क्षेत्र में पूछा गया था, तो लिटरेचर से बॉब डायलन को लिए ये मिला था, और ये हेल्ड हुआ था दोस्तों 10 दिसंबर 2016 को, ये सबको ये दिया गया था नोबेल प्राइज़। और जो बात करें पेस के क्षेत्र में तो ये इनको मिला था, फिजिक्स के क्षेत्र में माइकल इनको मिला था। तो ये सारे मैंने ऑलरेडी बता दिए थे, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट वॉइस प्रेसिडेंट, ये भी पूछा जा चुका पहले, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे दोस्तों, ये फर्स्ट फेज का पूछा गया क्वेश्चन है, और इनका कार्यकाल था 1952 to 1957 तक। तो दोस्तों अगर बात करते हैं पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की, तो ज़्यादा कुछ चेंजेज नहीं हुआ, इससे पहले भी एक पेपर का यही लेवल था, इसमें थोड़ा सा चेंजेज हुआ है, जो जनरल अवेयरनेस रीजनिंग ईजी था, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड भी ईजी था यहाँ पे, ये मैंने पहले का डाल दिया थोड़ा सा। तो अगर बात करें बाकी का सेम है, यहाँ पे इंग्लिश इजी था, 17 से 19 क्वेश्चन यहाँ पे आपका गुड अटेम्प्ट होगा। अगर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो ईजी टू मॉडरेट था, 17 से 18 क्वेश्चन आपके गुड अटेम्प्ट होंगे। बात करते हैं रीजनिंग की,
तो रीजनिंग ईजी था बिल्कुल, यहाँ पे 21 से 23 क्वेश्चन आपके गुड अटैम्प्ट होंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी ईजी था आज का, 17 से 18 आपके गुड अटैम्प्ट होंगे। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो ईजी टू मॉडरेट पेपर था, 70 से 78 क्वेश्चन अगर आपने किए हैं अटैम्प्ट, तो ये आपका है दोस्तों बेस्ट अटैम्प्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों, वीडियो समझ में आया, कुछ भी डाउट अगर है आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखे, हम यहाँ पर आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक शेयर तो बनता है, और हाँ आगे की ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, जिससे कि आगे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही कंटिन्यू होते हैं। अभी के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी लौटूंगा सेकंड थर्ड वीडियो की लेके आपके लिए, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।